भाटापारा नांदघाट के आयुष ज्वेलर्स के मालिक से चार लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। आरोपियों ने सराफा कारोबारी से 4 लाख के गहने लूटे और हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ज्वेलर संचालक नुतेश सोनी गुरुवार रात को अपनी नांदघाट स्थित आयुष ज्वेलर्स को बंद कर घर भाटापारा लौट रहे थे। इसी दौरान देवरी डी तिराहे के पास व्यापारी से लूटपाट की गई। शिकायत के बाद सिमगा पुलिस जांच में जुटी है। जो घटना घटी है इसकी जितना निंदा किया जाए वो कम है, क्योंकि लगातार 15 दिन पूर्व गैलेक्सी मोबाइल पॉइंट है जो हमारी संस्थान है, वहां से चोरी हुई, मोबाइल का लूटपाट हुआ। दूसरी घटना यहाँ चिचोली के पास ग्राम किरता है, 3 दिन बाद फिर हुआ, और आज तीसरी घटना घट गई जिसमें कहते हैं कि लोग गोली चल गई। नांदघाट एरिया में जो घटनाएं घट रही है इसका मूल कारण मेरे विचार से अवैध शराब की लगातार बिक्री है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और यहाँ पे जो पदस्थ है चौकी में प्रभारी के रूप में वो तो इतने निष्क्रिय है कि वो रात को गश्त भी नहीं करते। एक व्यापारी है नुतेश सोनी करके, वो अपना सामान लेके आ रहा था, भाटापारा जा रहा था। उस दौरान जो है वो मराकोना पुल के पास पहुंचा था, दो मोटरसाइकिल वाले आके उस पर जो है उसका बैग छीन लिए और फिर उसका सामान लूट करके ले गए हैं। वो बोल रहा है कि गोलियां भी चली है ऐसा मेरे को सुनाई दिया है, तो उसकी तस्दीकी के मौके पर हम लोग उपस्थित हैं और जो घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है।